टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को जानने के लिए इस लाल बटन को दबा के गैबी फेलो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की। देखो, चैटिंग हम सब करते हैं, दिन भर हम चैटिंग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से बात करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। और जब यहाँ पे लिखने वाली बात आती है तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें जो ग्रामर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रामर को ठीक करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और जो मेन तरीका है जो आपने हर जगह सुना होगा वो ये है कि सबसे पहले जाके आप बड़ी बड़ी किताबें खरीदो, फिर वहाँ पे आप टेंस, वर्ब, सिंगुलर, प्लुरल, जितने भी ग्रामर के ये सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ो, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। सारा प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली आपको समझ में आता है कि ग्रामर कैसे काम करता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत लंबा प्रोसेस है, और ये करने में आपको 6 से 1 साल तक लग सकते हैं, और मुझे लगता नहीं कि आज के टाइम में हमारे पास इतना टाइम है कि हम इतना वेट करके अपने ग्रामर को ठीक करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। डेली जिस तरीके से आप टाइप करते हो, आप चैट करते हो अपने गर्लफ्रेंड से, आपके बॉस से, आपके फ्रेंड से, आपके कलीग से, आपके पेरेंट्स से, बस उसी तरीके से आपको चैट करते रहना है। और यहाँ पे फिर ये एप्लीकेशन आपको बताएगा यहाँ पे कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती कर रहे हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ये आपके तीनों प्लेटफॉर्म के लिए आता है, चाहे आप iOS के लिए चाहते हो, वेब के लिए चाहते हो, या फिर आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे मैंने ग्रामरली कीबोर्ड को एक्टिवेट किया हुआ है, और यहाँ पे सेम सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो, एक ग्रीन कलर का आपको सर्कुलर सा दिख रहा होगा जो ऐसे एरो होगा, तो बेसिकली ये जो एरो है ये रेक्टिफाई करता है, और इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है बस। हाँ, ये एक रिक्वायरमेंट है इसमें कि जब भी आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वर से कनेक्ट होकर वहाँ से जो रेक्टिफिकेशन है वो लेके आता है। इसके साथ ही इसमें एडिशनल फीचर्स भी है, मतलब आपको जो स्पेलिंग है ये उसको भी रेक्टिफाई करेगा, पंचुएशन है उसको भी रेक्टिफाई करेगा, खुद फुल स्टॉप लगाएगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर यूज़ होना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होना है ये खुद बताएगा, अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है उसको भी रेक्टिफाई करके ये खुद ठीक करेगा। लेकिन इन सबके ऊपर जो मेन फोकस है एप्लीकेशन का वो है इंग्लिश ग्रामर, मतलब जहाँ जहाँ पे आपके ग्रामर में मिस्टेक हो रही है ये उसको ठीक करेगा। तो चलिए, जैसे मुझे किसी को बताना है कि मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं कुछ गलत करके लिखता हूँ, तो IREATING मैंने ये टाइप किया यहाँ पे, और ये देखिए सर्च कर रहा है, और यहाँ पे इसने बता दिया सर्च करके कि ये बेसिकली कहाँ पे गलती करी है मैंने। तो यहाँ पे अगर आप जैसे इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो चेंज द वर्ब फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे वर्ब के अंदर गलती हुई है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और ये मेरे सेंटेंस को ठीक कर देगा, और फिर मैं इसको भेज सकता हूँ IAM EATING। तो चलिए ये तो हो गया IAM EATING। अब हम लिखते हैं कोई दूसरा सेंटेंस, तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ They is eating। तो यहाँ पे देखिए, इसने लिखते ही ये पकड़ लिया ईटिंग और ईटिंग, दो दो चीज़ें पकड़ ली इनफैक्ट, कि दे आर और दे इज में क्या गलती है, और उसके साथ ही जो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है ईटिंग की वो कैसे ठीक होगी। तो मैं दोनों को रेक्टिफाई करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आर दबा दिया तो ये हो गया दे आर ईटिंग, बेसिकली यहाँ पे ईटिंग कुछ नहीं होता है, तो फिर मैंने ईटिंग को क्लिक किया तो ये बन गया मेरा पूरा सेंटेंस, और ये मैंने भेज दिया सेंटेंस आपके पास। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसने बहुत आसानी से रेक्टिफाई कर दिया कि आप जो लिख रहे हो वो सही है कि गलत है, आपके ग्रामर, आपके वर्ड, आप सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो चलिए ये तो हो गई वर्ब की, अब हम बात करते हैं एक वचन या बहुवचन या फिर सिंगुलर या प्लुरल। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लेट्स से मुझे कुछ चाहिए आपसे, तो मैं लिखता हूँ I need money। ठीक है, मेरे को पैसे चाहिए, मतलब पैसा होता है और पैसे होते हैं, तो मैंने लिखा मनीज, लेकिन इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिखा है कि चेक द वर्ड यूजेस, मतलब कि यहाँ पे मनीज यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे मनी यूज़ होगा। तो मैंने यहाँ पे मनी क्लिक किया, ये सेंटेंस मैंने भेज दिया, तो ये हो गया बिल्कुल ठीक। और चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हिज नेम आर गैबी फेलो। देखिए यहाँ पे हिज नेम आर है तो यहाँ पे भी इज गलत हो गया, तो मैंने इसे ठीक कर दिया। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर आप अपने ग्रामर को रेक्टिफाई करना चाहते हो तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये आपके iOS पे और Android पे दोनों जगह अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल से एप्लीकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये आपके दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो मैंने दिखा दिया, आपका Android भी है, iOS भी है, दोनों पे अवेलेबल है। तो देखा दोस्तों यहाँ पे कितना सिंपल तरीका है अगर आप अपने ग्रामर को रेक्टिफाई करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे अब आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, आप डे टू डे लाइफ में जो काम कर रहे हो बस आपको वही करते रहना है, वैसे ही करते रहना है, और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि जो आपकी जो ग्रामर है वो यहाँ पे रेक्टिफाई होती जाएगी। और ये सिर्फ चैट में नहीं, इनफैक्ट आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उसके अंदर ऑटो अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट कर रहे हो किसी को, व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, कोई स्टेटस लिख रहे हो, आप मेल कर रहे हो किसी को, कुछ भी करो, जहाँ पे भी टाइपिंग का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ पे ये एप्लीकेशन अपने आप रन करने लगेगा। तो दोस्तों अब आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, ना तो आपके बॉस के फ्रंट में, ना तो आपके दोस्तों के फ्रंट में, ना तो आपकी गर्लफ्रेंड के फ्रंट में, कहीं पे भी आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं, आप कॉन्फिडेंटली जो लिख रहे हो कॉन्फिडेंटली लिखो,
ये एप्लीकेशन सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक करता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अब अगर आपके ग्रामर में कोई मिस्टेक है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने ग्रामर को ठीक कर सकते हो। और आज के लिए इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अपनी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।